मेरे 10th क्लास के प्यारे प्यारे बच्चों, ऑल इंडिया लेवल में चाहे आप CBSE बोर्ड में से किसी भी स्कूल में से अपीयर हुए थे और आपको रिजल्ट में परसेंटेज कैलकुलेशन को लेकर कोई भी डाउट है, तो मैंने अभी तक जितने भी परसेंटेज कैलकुलेशन के वीडियोस बनाए हैं वो सब आपके लिए ही हैं। आप उन वीडियोस को देखकर अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। डाउट ज़्यादा क्यों आ रहे हैं? क्योंकि CBSE इस मामले में बहुत साइलेंट है। CBSE ने क्लियरली बोला है कि 10th क्लास का रिजल्ट हम परसेंटेज की टर्म में डिक्लेयर नहीं करते। ये डिपेंड करता है जिस स्कूल में बच्चे ने एडमिशन लेनी है वो कौन सा क्राइटेरिया ऑप्ट करते हैं एडमिशन देने के लिए। क्या वो बेस्ट 5 का क्राइटेरिया अप्लाई करते हैं या फिर वो टॉप 5 का क्राइटेरिया अप्लाई करते हैं, या कुछ सब्जेक्ट्स जो बच्चे ने आगे प्लस वन में भी पढ़ने हैं उनकी ही परसेंटेज के बेस पर वो बच्चों को एडमिशन देते हैं। तो ये सारा का सारा प्रेरोगेटिव जो अपकमिंग स्कूल है उनका है। जो आपका प्रेजेंट स्कूल है उन्होंने परसेंटेज डिक्लेयर करने के लिए अगर बेस्ट 5 का क्राइटेरिया चूज किया है या फिर स्किल सब्जेक्ट को इलेक्टिव सब्जेक्ट्स के ऊपर रख के परसेंटेज में ऐड किया है, ये सब कुछ आपके स्कूल का अपना प्रेरोगेटिव है। इसमें कुछ भी गलत या सही नहीं है। इट डिपेंड्स फ्रॉम स्कूल टू स्कूल बिकॉज कॉम्पिटिशन आज की डेट में बहुत टफ है। तो अगर अच्छी परसेंटेज प्रोजेक्ट करेंगे तो ही न्यू एडमिशन्स भी मिलती हैं। तो स्कूल्स अपनी जगह पर सही हैं क्योंकि CBSE ने उन्हें कोई कैलकुलेशन के लिए पर्टिकुलर क्राइटेरिया नहीं दिया है एक्सेप्ट फॉर स्किल सब्जेक्ट, जो मैंने पहले भी अपने एक वीडियो में बताया था कि अगर सब्जेक्ट नंबर 3, 4, 5 जो कि इलेक्टिव सब्जेक्ट्स हैं और सब्जेक्ट नंबर 6 जो कि स्किल सब्जेक्ट है, स्किल डिपार्टमेंट की तरफ से एक ऐसा सर्कुलर है जिसमें ये मेंशन्ड है कि सब्जेक्ट्स नंबर 3, 4, 5 और 6 में से कोई भी बेस्ट 3 लिए जा सकते हैं। तो अगर स्कूल्स स्किल सब्जेक्ट को इलेक्टिव सब्जेक्ट्स के ऊपर काउंट करके आपकी परसेंटेज बना रहे हैं तो उसमें कुछ भी गलत नहीं है। हाँ, लैंग्वेजेस जो फर्स्ट और सेकंड है उनको थर्ड लैंग्वेज जो कि सब्जेक्ट नंबर 7 आता है सीरियल ऑर्डर में, उसके साथ तब तक रिप्लेस नहीं किया जा सकता जब तक फर्स्ट या सेकंड लैंग्वेज में बच्चा फेल ना हो जाए। तो फिर भी मैं यही बात बोलूँगा कि आपके स्कूल अगर बेस्ट 5 सब्जेक्ट्स कैलकुलेट करके आपकी परसेंटेज निकाल रहे हैं तो भी इट इज़ ओके, अगर वो टॉप 5 करके अपनी परसेंटेज निकाल रहे हैं तो भी इट इज़ ओके, इट इज़ अप टू देम। मेरा पर्पस सिर्फ और सिर्फ आपको आगाह करना है ताकि आप डिसअपॉइंटेड ना हो जाएं। आपके स्कूल ने अगर बेस्ट 5 की परसेंटेज लेकर डिक्लेयर की है तो उसके बाद जब आप नए स्कूल में जाएंगे वहाँ पे उन्होंने अगर बेस्ट 5 की जगह टॉप 5 का क्राइटेरिया ऑप्ट कर लिया तो आप कहीं डिसअपॉइंटेड ना हो जाएं, आपको कहीं ये ना लगे कि आपके साथ कोई धोखा हुआ, छल हुआ। ये सारा का सारा प्रेरोगेटिव, सारा का सारा जो दारोमदार है वो आपके अपकमिंग स्कूल के ऊपर है कि वो अपने लिए एडमिशन देते समय कौन सा क्राइटेरिया चूज़ करते हैं परसेंटेज का। उनको आप चैलेंज नहीं कर पाएंगे क्योंकि CBSE ने सब कुछ उनके ऊपर छोड़ दिया है। तो इन दैट केस आपको डिसहार्टन्ड नहीं होना है, डिसअपॉइंटेड नहीं होना है। आप मान के चलिए कि चाहे आपके प्रेजेंट स्कूल ने जो भी क्राइटेरिया यूज़ किया है परसेंटेज का उससे हट के क्राइटेरिया आपका अपकमिंग स्कूल डिसाइड कर सकता है, सिलेक्ट कर सकता है, चूज़ कर सकता है। तो प्लीज़ वैसे भी ये परसेंटेज और मार्क्स को अपने दिमाग से निकाल दीजिए क्योंकि परसेंटेज या मार्क्स कभी भी सफलता का पैमाना नहीं होते। ज़रूरी नहीं है कि जो बच्चे ने सब्जेक्ट्स में या पूरे के पूरे 10th क्लास में या 12th क्लास में टॉप किया है वो लाइफ में भी गारंटेड सक्सेसफुल होगा। बहुत से ऐसे केसेस हैं जिनमें बच्चों ने मार्क्स तो कम लिए, एवरेज परफॉर्मेंस शो की, मगर सक्सेस ज़्यादा अचीव की, और इसका उल्टा, मार्क्स तो बहुत अच्छे लिए मगर उतने सक्सेसफुल नहीं हो पाए। तो ज़िंदगी बहुत बड़ी है, आपके पास करके दिखाने को भी बहुत समय है और बहुत कुछ है करके दिखाने को। तो परसेंटेज और मार्क्स के भंवर में, इस भ्रम जाल में मत फंसिए, अपनी लाइफ पर फोकस कीजिए, अपनी आने वाली एजुकेशन पर फोकस कीजिए और करियर पर फोकस कीजिए ताकि आप कुछ बेहतर करके दिखाएं। सो बेस्ट विशेज एंड बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम माय साइड। आई होप अब आप परसेंटेज की चिंता करना छोड़ के अपने फ्यूचर, एजुकेशन और करियर पर फोकस करेंगे। टेक केयर, बाय बाय।